जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 1 रिश्ते और नाते, पाठ संख्या 1 या पहला पाठ रिश्ते और नाते को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे इस पाठ में क्या है देखो, मेरे परिवार की खास बातें। ठीक है, क्या है? मेरे परिवार की खास बातें। आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। ठीक है, आपने अब तक इस पाठ में जो है अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा होता है, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। सबके परिवार में सबके सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, ठीक है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों की अलग अलग विशेषताओं के बारे में सोचना है और लिखकर बताना है, तो सोचिए और लिखिए। आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। तो अब जो भी अपने परिवार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सदस्य है उसका यहाँ पर हमें नाम लिखना है। ठीक है, आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आयु के अनुसार जो आपके परिवार में सबसे छोटा है उसका नाम और जो सबसे बड़ा है उसका नाम लिखना है। फिर आगे क्या पूछता है वो कि आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो आपको आपके परिवार में जिसके सबसे लंबे बाल है उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। जैसे लिख सकते हो आपके, मेरे परिवार में सबसे लंबे बाल मेरी माता जी के हैं या मेरी बहन के हैं। ठीक है, ये वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करती है। अब जिसके भी परिवार में लंबे बाल है तो वो अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं वो लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन के, वे प्रतिदिन अपने बालों में तेल लगाती हैं तथा उनका उचित देखभाल करती है। फिर आता है आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो अब जो आपके परिवार में सबसे लंबा है उनका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्या है, जमुना की बहन अच्छा गाती हैं। जमुना की बहन अच्छा गाती हैं। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। अब जो है जमुना की बहन है वह अच्छा गाना गाती है, ये उसकी बहन की विशेषता है। अभी हमने अपने परिवार के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, तो अब जमुना बता रही है जमुना की बहन अच्छा गाती है और एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, गाना सभी को पसंद आया। जमुना की जो बहन है वह अच्छा गाना गाती है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, और एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया और गाना सभी को बहुत पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई, सभी ने खूब तालियां बजाई। जमुना की बहन ने जब बाल सभा में गाना गाया तो सभी ने खूब सारी तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। अब जमुना की बहन का जो साथ में पढ़ता था अनिल, कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। अब ये अनिल की विशेषता है कि वो अच्छी ढोलक बजाता है। ठीक है, दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। ठीक है, एक दीपक नाम का उसी कक्षा में लड़का था जिसने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी वहाँ जो थे वो चकित रह गए। ठीक है, तो सबके परिवार में सब में कोई ना कोई अलग विशेषता होती है। ठीक है ना, अब जैसे जमुना की बहन में अच्छी विशेषता ये थी कि वह गाना अच्छा गाती है। ठीक है,
और अनिल नाम का लड़का है जो उसी कक्षा का, तो वो अच्छी ढोलक बजाता है, ये उसकी विशेषता है। फिर दीपक ने कई जानवरों के पक्षियों की आवाज़ निकाली, तो ये उसकी विशेषता है। ठीक है, तो परिवार में हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है बच्चों, क्या है देखो वापस, कि आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा होता है तो कोई छोटा, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। तो अब सोचिए और लिखिए में क्या है, कि आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। तो आपको उसका नाम लिखना है जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, जिसके परिवार में सबसे लंबे बाल है उसका नाम यहाँ लिखना है। वे अपने लंबे बालों का देखभाल कैसे करती है, अब जिसके भी परिवार में लंबे बाल है वो देखभाल कैसे करती है उसके बारे में यहाँ लिखना है। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है उसके बारे में यहाँ लिखना है। ठीक है, मतलब अपने परिवार के सदस्यों की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब जमुना की बहन अच्छा गाती है, एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया तो गाना सभी को पसंद आया, ये जमुना की बहन की विशेषता थी। सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई, अब उसी कक्षा के अनिल है, उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छी ढोलक बजाता है। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए, अब दीपक की विशेषता क्या है कि वह कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाल सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे ही परिवार में हर सदस्य की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जय श्री कृष्णा।